और या सोचते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं आज मूवी देखने, जिस मूवी का नाम है सैम बहादुर। और इसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बट मैं ये सब मूवी देख के आने के बाद कहूँगा फॉर श्योर। अभी तो मैं निकलता हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी लेट आई गेस। मैं स्ट्रीम करके, एक घंटे की स्ट्रीम करके अभी उठा हूँ और अभी निकलने वाला हूँ। यहाँ से कुछ 15-20-30 मिनट के दूरी पे थिएटर है, तो क्या निकलता हूँ और आगे देखते हैं सैम बहादुर की कुछ झलके और व्लॉग। छोटा सा व्लॉग है, एंजॉय करना, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं आगे। देविल सर चलो निकलता हूँ। वो आपका फेवरेट मूवी देखने जा रहा हूँ। क्या फेवरेट मूवी देखने जा रहा हूँ? और मजा करो। कौन सा वाला कॉर्नर सीट? क्या अभी वो तो व्लॉग में पता चल ही जाएगा। हाँ, व्लॉग में लेना चाहिए क्या? किसके साथ मूवी देखने गया है? क्या गया? वो तो 100% लूंगा। हाँ ठीक है। बाय द वे क्या चल रहा है फिलहाल? अभी फिलहाल चल रहा है पेड़ काटा काटी। ठीक है, माइक म्यूट है, इतना ध्यान में रखो नहीं तो वापस भूल जाओगे। हाँ चलो। मेरी धड़कनों को समझो। चलो नोबिता सर, मैं मूवी के लिए जा रहा हूँ। जा रहे? यस ब्रो। एकला चलो रे, ये तो मेरा ब्रीद वाक्य है। मेरे को तो पूछा भी नहीं कि आएगा क्या नोबिता। एका साफ्टी आउट करी। रात को तो डेविल को ही पूछा सिर। मेरे को तो मेरे पर देखा। तूने क्या बोला? इधर देख, इधर देख। तूने क्या बोला कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ मूवी में? अरे मैं जाने वाला था लेकिन मैं आज तो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। अरे तो मैं लेट उठा, डाकू के रूम में थी शायद वो। कौन निकलेगा? मैं तो मेरे को नहीं मालूम बाबा। चलो मैं जा रहा, बाय बाय। आराम से जा रही। यस बड़ी आराम से। यस सो या गाइस, वी आर ऑल सेट फाइनली। ये रहा हमारा हेलमेट। चाबी लिए क्या? मैंने देख लेता हूं जेब में चाबी और ऑल सेट। निकलता हूं। पूरी कटेगा ना? बुरी इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे को थिएटर में बहुत ठंडी लगती है। और या पहुँचते हैं, मिलते हैं, देखते हैं मूवी और रिव्यूज तो आएंगे एंड में। पहले तो मैं तुमको मेरे रानी से मिला रहा हूँ जिसके साथ मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। और ये रही मेरी रानी जिसके साथ मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। दोस्तों यही है जो मेरे साथ मूवी देखने आ सकती है, बाकी तो कौन आ नहीं सकता। आपको झूठ लग रहा रहेगा बहुत लोगों को कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यही ट्रूथ है, यही है सच्चाई। इसी सच्चाई के साथ गाड़ी की चाबी लगा दी है। गाड़ी न्यूट्रल पे है ना? नहीं है अभी है। गाड़ी को थोड़ा गर्म होने दो, गाड़ी को थोड़ा गर्म होने दो। मिलता हूँ आपको आगे थिएटर में पहुँचने के बाद। और एक बात दोस्तों, रात को निकला तो हूँ मैं, लेकिन एक विषय ऐसा है कि ठंडी बहुत बजने वाली है आते समय भी और जाते समय भी। तो अभी ठंडी का मुकाबला करते करते जाना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या जाते मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाइक गायब है। मिलता हूँ आगे। मूवी तो देख ली गाइस, मूवी बहुत प्यारी थी, बहुत ज़बरदस्त और लिटरली बहुत सीखने जैसा है उस मूवी से बहुत कुछ। और आई गेस हिस्ट्री सभी को सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगा ये मूवी ज़रूर देखना। मुझे पसंद आई इसलिए नहीं, खुद के लिए देखना। और इसके बारे में मैं और घर पे पहुंच के बोलता हूँ क्योंकि अभी तो मैं निकला हूँ घर जाने के लिए, तो घर पहुंच के बात करते हैं। तो यार मूवी देख के तो हम लोग आ गए गाइस, और इस मूवी के रिव्यू में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि वाव, टोटली मेरा टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल एक सेकेंड का भी टाइम मेरा ख़राब नहीं हुआ है मैं ये बोलूँगा।
क्योंकि बहुत मुझे ऑलरेडी आर्मी से बहुत लगाव है, तो ये मूवी तो बहुत सुपर्ब थी। और विकी कौशल, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत प्यारा किरदार निभाया है, बॉडी लैंग्वेज से लेके लैंग्वेज जबरदस्त यार, एकदम स्वीट। मतलब इस मूवी में बहुत कुछ है यार, बहुत, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ये चीज। और बहुत मतलब वो जो गाना है जिसमें सारे धर्म, सारे बटालियंस, सारी सब कुछ बताया गया है, वो बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। और बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है उस मूवी से। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडियन ने वो जाके मूवी देखनी चाहिए। मुझे पता है एनिमल मूवी बहुत इंटरटेनिंग होगी, बहुत लंबी मूवी है ये वो फलाना ढिमकाना बहुत, और ऐसी मूवीज आजकल बहुत चल रही है, बट ऐसी मूवी के आड़ में अगर तुम सैम बहादुर देखना अगर मिस कर दोगे तो आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड ग्रो कर रहा है उस चीज़ से, क्योंकि सैम बहादुर जैसी मूवी अगर आप मिस कर रहे हो तो यार जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप गलत चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं एनिमल नहीं देखूँगा, एनिमल भी देखूँगा, लेकिन मैंने प्रायोरिटी सैम बहादुर को इसलिए दी है क्योंकि भाई है, भाई इंडिया से लगाव है और मुझे हिस्ट्री से बहुत लगाव है। आपकी इच्छा है देखना है नहीं देखना है, बट फिर भी मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि सैम बहादुर देखना ज़रूर ज़रूर देखना, क्योंकि अपनी हिस्ट्री अगर जानोगे तब जाके आप अपने बच्चों को भी बता पाओगे कि यार हाँ ऐसा भी एक इंसान था। एक बार देखना ज़रूर। और या आई लव द मूवी, बहुत प्यारी मूवी है और मज़ा आ गया। एट द एंड मैं जब उठ रहा था सीट से तो मेरे मुँह से अपने आप जय हिंद निकल गया और मज़ा आया, ज़बरदस्त मूवी। बस मैं इतना ही शेयर करना चाहता था आपके साथ, और ये बहुत ही छोटा व्लॉग था आई नो, बट ऐसे थोड़ा थोड़ा रिव्यू वाला पार्ट आएगा क्योंकि अगली फिल्म होने वाली है एनिमल, तो या उसका भी एक रिव्यू आएगा फॉर श्योर। और हाँ, और एक चीज़, बहुत कन्फ्यूजन में हो गए आप सब कि किसके साथ मूवी देखने गया था, तो मैं अकेला गया था, चाहिए तो स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, है मेरे पास स्क्रीनशॉट टिकट का, बारकोड छुपा के टिकट का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। कुछ भी पूछते रहते हो क्योंकि मेरे को आए डीएम, हो अकेला ही गया हूँ मैं, ऐसे मूवीज अकेले में ही देखने में मज़ा है, नहीं तो बार बार इधर से वो पूछते ना इसके बाद क्या होगा, अबे देख ले, मेरे को नहीं अच्छा लगता कि इसके बाद क्या होगा, या फिर सामने वाला बोले कि हाँ इसके बाद ये होगा, नहीं भाई नहीं जानना है, ऐसा मूवी अकेले में देखो सुकून से मज़ा आएगा, मतलब फैमिली के साथ भी देख सकते हो बट फिर भी। तो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, व्लॉग नहीं जो भी है ये छोटा सा, या बाय बाय। और बहुत जनों की गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, और जो रात में देख रहे हैं उनको गुड नाइट, चलो बाय बाय बाय, पीस आउट।